हाजरीन, ये जनाब अब्बास रजा नूरी कलकत्ता से आप नात मनकबत और मनकबत गरीब नवाज पर मुश्तमिल अशआर समाअत कर रहे थे। लुट के आबाद है अब तक जो वो घर किसका है, लुट के आबाद है अब तक जो वो घर किसका है, लुट के आबाद है अब तक जो वो घर किसका है, सबसे ऊंचा है जो कटकर भी वो सर किसका है। कह दे सुभान अल्लाह, लुट के आबाद है अब तक जो वो घर किसका है। माइक ऑपरेटर साहब को ये समझना चाहिए कि शायर लोग आए तो इको दीजिएगा, मैं आऊं तो इको कम कर दीजिए, ठीक है, ये समझ लीजिए पूरी रात के लिए। लुट के आबाद है अब तक जो वो घर किसका है, सबसे ऊंचा है जो कटकर भी वो सर किसका है। किसने करबल की जमीन छू के मुआल्ला कर दी, पूछना करबो बला से ये हुनर किसका है। हाजरीन, जलसे बहुत होते हैं, हर दिन होते हैं, समातें बताती है कि पढ़ने वाले को किस तरह का शेर पढ़ना चाहिए और सुनने वाले को किस तरह सुनना चाहिए। आपके इस स्टेज पर एक ऐसा लहजा, एक ऐसी आवाज, एक ऐसा कलमकार, एक ऐसा कलंदर, एक ऐसा दरवेश, एक ऐसी फिक्र का मालिक कि जिसकी फिक्र का परंदा परिंदा जब परवास करता है तो नातिया शायरी के हुदूद में जब दाखिल होता है तो अपने पर को ये कहकर के मार देता है कि जिसके तखय्युल की परवाज इतनी हो उसके सामने और किसी की फिक्र क्या काम आएगी। जिसने एक शेर कहा और पूरी दुनिया उस शेर का जवाब नहीं ला पाई कि दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए, सर मिल गया हुसैन का बयत नहीं मिली। जिसने जब मौला अली असगर का तस्किरा किया तो इस तरह किया कि हमने दरियाओं के आगे हाथ फैलाए नहीं, तिश्नगी हद से बढ़ी तो जिक्र असगर कर लिया। एक ऐसी आवाज जिसे गुलामे पर जतन हूं मैं, गुलामे पर जतन हूं मैं। आप कहीं और के गुलाम बैठे हैं क्या? पंजतन का सदका खाते हैं तो जरा जोर से कहीं सुभान अल्लाह, इससे बड़ी गुलामी कहां मिलने वाली। हाजिर करता हूं मुलायदा फरमाए, गुलामे पर जतन हूं मैं सो ऐसा हो नहीं सकता। वाह, गुलामे पर जतन हूं मैं सो ऐसा हो नहीं सकता, गुलामे पर जतन हूं मैं सो ऐसा हो नहीं सकता। थोड़ा दिखेगा
शेर पढ़ने जा रहा हूं, शेर सुने। ऐ दुनिया, माहौल बनाए, माहौल बनाए, जरा जोर से कहीं सुभान अल्लाह। ऐ दुनिया तार हट जा सकता, कोई जिद ना करे रुसवा, मैं रुसवा हो नहीं सकता, गुलामे पर जतन हूं मैं, सो ऐसा हो नहीं सकता। अरे बाप, शकील भाई ये शेर सुने, आपकी दुआ चाहूंगा, शेर पे जरा जोर से कहते सुभान अल्लाह। अब पता चलेगा कि वाकई आप शकील भाई को सुनने आए कि नहीं। एक शेर पढ़ने जा रहा हूं। तबीबों छोड़ दो मुझको, मैं बीमार मदी लगा कर आने कफील भाई, इनसे पूछें जब सरकार का गुंबद देखा होगा तो कैसा लगा होगा। वाह, तबीबों छोड़ दो मुझको, मैं बीमार मदीना हूं, तबीबों छोड़ दो मुझको, मैं बीमार मदीना हूं, तुम अच्छा कर नहीं सकते, तुम अच्छा कर नहीं सकते, मैं अच्छा हो नहीं सकता, गुलामे पर। नारे तकबीर, जरा मोहब्बत के साथ जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, हुजूर आरिज़ुल औलिया, नारे है। तबीबों छोड़ दो मुझको, मैं बीमार मदीना हो, तबीबों छोड़ दो मुझको, मैं बीमार मदीना हो, तुम अच्छा कर नहीं सकते, मैं अच्छा हो नहीं सकता, गुलामे पर जतन हूं मैं, सो ऐसा हो नहीं सकता। अब जो बात करने जा रहा हूं, ये बात इसी घराने की बात है। अब पता चलेगा कितने लोग नबी की आल से मोहब्बत करते हैं, स्टेज से लेकर मजमा तक। अगर सब लोग अगर खड़े हो गए शेर पे तो मजा आ जाएगा। पढ़ दूं वो शेर शकील भाई, पढ़ दूं, बहुत बड़ा शेर है। कहा जालिम ने दौलत लो, कहा जालिम ने दौलत लो, मुझे तुम हाथ दो अपना, कहा जालिम ने दौलत लो, जवाब सुनेंगे ना बड़ा मजा आएगा, तैयार रहे। कहा जालिम ने दौलत लो, मुझे तुम हाथ दो अपना, हुसैन गुलामे पर
हजरत अब ना खड़े होंगे तो कब खड़े होंगे? खड़े हो गए शेर के इस्तकबाल करें, मोहब्बत के साथ खड़े हो जाए, इमाम हुसैन के नाम पे खड़े हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत इमाम हुसैन, शान इमाम हुसैन, नारे हैदरी। एक शेर आ गया है, पता नहीं आप किस मूड में बैठे हैं, पता नहीं किस मूड में बैठे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है करबला में बैठे हैं। अभी भी सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे। देख करबला किस्मत वाले जाते हैं, है ना? आपको मैंने नदवा नहीं भेजा, करबला कहा मैंने। अब शेर पढ़ने जा रहा हूँ, मुलायदा फरमाए। किया है करबला में जो नबी के शहजादे ने, हाय 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 वाह। किया है करबला में जो नबी के शहजादे ने, कयामत तक किसी से वैसा, कयामत तक किसी से वैसा सजदा हो नहीं सकता, गुलाम शेर पढ़ने जा रहा हूँ। जितने लोग आले नबी से मोहब्बत करते हैं जरा